2010 में आके कुछ फोटोग्राफर्स ने एक बहुत अच्छी ऑनलाइन एग्जीबिशन लगाई। 270 के करीब फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसकी फ़ोटो खींची जाती है, और जब कोई चला जाएगा फिर भी उसको उसी तस्वीर से याद किया जाएगा। तो ये हमारे शुरुआत से लेके अंत तक हमारे साथ चलेगी चलेगी। कोई फोटोग्राफी करता है नहीं करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा तो है ये कैमरा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इसलिए अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अपने हुनर को एक्सप्लोर करे, लाइट पे कैसे काम करना है वो सीखे, एंगल्स को सीखे, एक्सपेरिमेंट करें, इनोवेशन करें। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, जिस दिन ये कला जो दुनिया के पास है हर फोटोग्राफर को समर्पित की गई थी। वैसे तो इसका आविष्कार जो है 1837 में हुआ था, जी और इसको पेटेंट 1839 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने किया, और उसके बाद उसने वर्ल्ड को ये एज ए गिफ्ट दिया और इसको पेटेंट फ्री कर दिया उन्होंने, कि हर कोई इस कला से चाहे अपना प्रोफेशन में ले आए या अपनी हॉबी के लिए इस्तेमाल करे। तब से ये फोटोग्राफी आस्ता आस्ता इवॉल्व होती रही, आस्ता आस्ता इसमें डेवलपमेंट्स होती रही, और 2010 में आके कुछ फोटोग्राफर्स ने एक बहुत अच्छी ऑनलाइन एग्जीबिशन लगाई। जब से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे स्टार्ट हो गया, तकरीबन 100 कंट्रीज़ के लोगों ने उस ऑनलाइन वेबसाइट को, उस एग्जीबिशन को देखा था। 270 के करीब फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है। एक फोटोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि फोटोग्राफ खींचा जाए, किस एंगल से खींचा जाए और लोगों को प्रेजेंट करने के लिए कितनी मेहनत का काम है ये। जिंदर जी, अब ये प्रोफेशन बहुत वास्ट हो चुका है, जी ठीक है एग्जैक्टली ना। तो हम फोटो जर्नलिस्ट हैं, जी हमें तो एक तस्वीर में पूरी न्यूज़ को कवर करके दिखाना है। वो एक तस्वीर हमारी पूरी न्यूज़ को एलाबरेट करेगी, एक्सप्लेन करेगी, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो अब ये बहुत वास्ट हो चुका है, वेडिंग फोटोग्राफी हो गई, आजकल ब्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा ये एक माध्यम बन चुका है। आप देखिए, जनरेशन जो है वो ब्लॉगिंग की तरफ जा रही है, नेचर फोटोग्राफी हो गई। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आपको जो चाहो आप इसमें कर सकते हो। कर सकते हैं। आप बहुत बड़ा बहुत एक वास्ट वास्ट प्रोफेशन है, प्रोफेशन। सिर्फ ये नहीं है कि जर्नलिज्म करना है या वेडिंग ही है, ये तो रह गया। आजकल तो आप देखिए, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, कंपनी बेचने के लिए भी सबसे पहले कैमरे के फीचर्स दिखाती है। इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, चाहे यूज़ आपका उसमें 10 मेगापिक्सल होता हो। तो सिर्फ कैमरे से तो फोटोग्राफी रह नहीं गई, आपकी लाइफ में अब ये इतनी इवॉल्व हो चुकी है, इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। आप पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसकी फ़ोटो खींची जाती है, जी। और जब कोई चला जाएगा फिर भी उसको उसी तस्वीर से याद किया जाएगा। तो ये हमारे शुरुआत से लेके अंत तक हमारे साथ चलेगी चलेगी। सड़कों पे चलो, सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, ये ये बहुत बड़ा अहम रोल है कैमरे अहम का। रोल हो चुका है अब। ये हमारे साथ ही चलेगा, हर इंसान। कोई फोटोग्राफी करता है नहीं करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा तो है ये कैमरा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इसलिए अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसको और भी मायने इसके खोलने चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। एग्जीबिशंस तो लगती ही हैं, हम बहुत से फोटोग्राफर्स एग्जीबिशन लगाते हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन एग्जीबिशन लगाती हैं। इसके अलावा भी इसका भी हमको आपको मिलकर सोचना चाहिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं हम लोगों को कि भैया कैमरा एक ऐसी चीज़ है, आप इसका अच्छा इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन कृपया बुरा इस्तेमाल मत करना, ना करें, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बुराई के लिए नहीं बुराई के बनी। लिए नहीं बनी है, जिस चीज़ के लिए बनी है उसको जितना मर्जी एक्सप्लेन करें आप, उसको इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, तो ये चीज़ें तो चलेंगी साथ में। राकेश जी, आप एक प्रोफेशनल और सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं। पहले पन्ने पे जब फोटो छप जाती है तो कितना प्राउड महसूस हो जाता है आपको कि भाई वाकई में मैंने कुछ करके दिखाया आज अपने एडिटर साहब को या अपने मालिक को कि भाई वाकई में पिक्चर बोलती है, तस्वीर बोलती है। सर, फ्रंट पेज पे फ़ोटो छपना तो एक बहुत प्राउड मोमेंट होती है हर फोटोग्राफर के लिए, क्योंकि सुबह हम जब निकलते हैं तो सारा दिन काम करना है, और दिन की कोई न्यूज़ हो जाए बड़ी तब तो छपेगी, अदरवाइज़ हमें खुद से क्या क्रिएट करना है, हम क्या ऑर्बिट खींच रहे हैं, हम कुछ नेचर को कैसे देख रहे हैं, अपने शहर को किस नज़रिए से देख रहे हैं, उसमें क्या अलग छापें हम। हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अलग निकाल के लाएँ जो बाकी अखबारों से भी अलग हो और बाकी फ़ोटोग्राफर से अलग। मैं खुद से क्या कर रहा हूँ वो मेरी इनर सेटिस्फेक्शन भी एक मायने रखती है। छपने के बाद उस तस्वीर को देख के मैं क्या सोचता हूँ कि हाँ, एक तो मैंने ये छाप दिया और एक बार मैंने इससे कुछ अच्छा भी छापना है,
और बॉस की शाबाशी मिल जाती है जब उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। राकेश जी, बात करेंगे हम जब एक कैमरा हाथ में होता है, उसमें एपर्चर, उसमें पिक्चर की डेप्थ, उसमें एंगल, उसमें डेप्थ ऑफ फोटोग्राफी, कवर, फोकस, ये सब किस तरह मुमकिन हो जाता है कि जबकि हमारे मिल्टनसी के दौर से भी हमने गुजर गए, हमने वो दौर भी देखा हुआ है, क्या कितना ख्याल रखना पड़ता है एक फोटोग्राफर को एक फ़ोटो खींचने से। पंडित जी, लाइट का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और उसी लाइट के सहारे हमारा शटर भी चलेगा, एपर्चर भी हमें देखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हम किस स्पॉट पे खड़े हैं उस वक्त। हम मिल्टन एनकाउंटर शूट कर रहे हैं उस वक्त, उस एंगल को हमें देखना, हमें एक, क्योंकि अखबार में तो मेन फ्रंट पेज पे एक ही तस्वीर छपेगी, तो हमें उस पूरे मिल्टन एनकाउंटर को उस एक तस्वीर में एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे हमें एंगल भी देखना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी तो चलो साथ में चलेगी। आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे नॉर्म्स बना दिए हैं कि बहुत एक सेफ़ पोजीशन दी जाती है मीडिया वालों को, इतना आगे नहीं जाने दिया जाता है जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए। पहले वाला वक्त तो चलो पीछे रह गया, अब वैसे फिर भी अपनी सिक्योरिटी तो अपने हाथ में है, वो कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ही 100% हम सेफ़ तो रह के काम कर नहीं सकते। वो तो हो ही नहीं सकता कि अब मैं उस स्पॉट से 5 किलोमीटर दूर बैठ के कहूँगा कोई तस्वीर निकली, उस स्पॉट पे तो मुझे जाना ही जाना है। लेकिन ये कि सेफ डिस्टेंस हमें बनाना है, अपने परिवार के बारे में भी सोचना है, सबके बारे में सोचना है, बिना वजह हमारी वजह से भी उस स्पॉट पे कोई क्योस ना मचे, क्योंकि आगे आर्मी वाले भी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। उन आतंकियों के साथ लड़ना हर इंसान के बस की बात तो है नहीं, वो अपनी जान पे खेल के वो तो उनके सामने लड़ रहे हैं, हम तो चलो उनकी पीठ के पीछे होते हैं, तो और वो एंगल जो है वो तो हमें देखना है, और वही हमारा काम है। शटर स्पीड और अपर्चर तो बेसिक्स हैं, लाइट के हिसाब से हमें सेट करना है, वो तो बेसिक्स में चलता है, लेकिन जो उस स्पॉट पे एंगल देखना है वो हमारी जिम्मेवारी है, वो हमें देखना पड़ता है। डेप्थ ऑफ ए पिक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितना इम्पॉर्टेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट डेप्थ ऑफ ए पिक्चर ही है। एक पिक्चर की डेप्थ क्या कहती है, वो बोलेगी तभी जब वो पिक्चर में डेप्थ होगी, वो पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन तभी करेगी जो एक पिक्चर में हर एक चीज़ का हर एक पहलू को देखा जाएगा, हर एक पैमाना फिट होगा। एक प्रोटेस्ट, हाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें लोग कुछ मांग रहे हैं, चाहे वो बिजली के लिए ही चल रहा होगा, किसी ने प्ले कार्ड पकड़ा है, लोग भी हैं, किसी ने टायर भी जलाया है, किसी ने पुतला जलाया है, तो वो जब चारों पाँचों चीज़ें एक तस्वीर में कंबाइन होंगी, लोगों का एग्रेशन भी दिख रहा है, तो वो चारों पांचों चीज़ें एक फोटोग्राफ में कंबाइन होकर उसकी पूरी डेप्थ निकलेगी। दूसरे दिन पिक्चर छपी होगी तो रीडर को ज़्यादा खबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फोटो देख के पहचान जाएगा अच्छा ये इस चीज़ का प्रोटेस्ट है, तो उसमें वो एक्सप्लेन हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप 19 अगस्त फोटोग्राफी पर फोटोग्राफी की है, किस किस्म का परिश्रम करना चाहिए एक फोटोग्राफर को अपने प्रोफेशन के रिलेटेड? मैं जब आया तो मेरे पास एक 2 मेगापिक्सल का कोडैक का कैमरा था, आज मोबाइल में 108 मेगापिक्सल है जो कि यूज़लेस है। लोग इन बातों में जाके कैमरे को छोड़ के मोबाइल मत लें, जिसने फोटोग्राफी करनी है वो कैमरा ही ले, ठीक है ना, वो कैमरा है, हाँ प्रोफेशनल काम करना है वो कैमरा ही ले, और इसको एक्सप्लोर करे, अपने हुनर को एक्सप्लोर करे, लाइट पर कैसे काम करना है वो सीखे, एंगल्स को सीखे, कलर टेम्परेचर पे कैसे काम करना है वो सीखे, सुबह की लाइट का क्या टेम्परेचर होता है वो आप किताबें पढ़ें, मैनुअल ही अगर आप कैमरे के साथ का मैनुअल भी पढ़ लें ना, आप बहुत सी चीज़ें सीख जाएंगे। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब पे जाएं, हर ट्यूटोरियल पढ़ा है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करें, इनोवेशन करें, नया आप क्या कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। मैं कहूँगा कि कलर टेम्परेचर पर ज़रूर काम करें हर फोटोग्राफर, कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उस प्रोफेशन के बीच में आ जाओगे, जब आप करना शुरू करोगे, आप खुद ब खुद आपका हुनर जो है वो तराशा जाएगा, आप खुद अपने आप को तराशोगे, आपको तराशना खुद को खुद ही पड़ेगा। ये कैसे, आपको कोई सिखा देगा ये अपर्चर होता है, ये शटर होता है, आपको ऐसे कैमरा क्लिक करना है, यहाँ से बटन दबाना है, लेकिन आपको कब दबाना है, कहाँ जाके दबाना है, अर्ली मॉर्निंग को शूट करना है, सनसेट शूट करना है, आप सुबह उठिए जाइए अपने शहर को, अपने शहर की खूबसूरती को शूट कीजिए, बहुत कुछ है। और अब तो प्रोफेशन इतना बढ़ गया है, फैशन फोटोग्राफी आ गई, आपका वेडिंग्स का बहुत अच्छा काम है आजकल लोगों का, हमारे जर्नलिज्म में बहुत है, वाइल्ड एनिमल का जो वाइल्ड
वाइल्ड फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिर इक्विपमेंट तो अच्छे चाहिए होंगे। उसके लिए आपको वाइल्ड के लिए तो इक्विपमेंट अच्छे चाहिए चाहिए, उसको हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते उस पर, क्योंकि नेचर के साथ आप खेल सकते हो। आप एक जगह जाओगे सुबह, देखते हो यहाँ पे सुबह बहुत अच्छी लाइट थी, आप दूसरे दिन तक वहाँ पे वेट कर सकते हो कि हाँ मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बैठता हूँ। इसमें एक जगह के ही आपको सुबह से लेकर शाम तक 4-5-6 रंग दिख सकते हैं। अब हमारा जम्मू इतना खूबसूरत है, आप देखिए सुबह हम उठते हैं तो बारिश हो रही होती है, हम घर से निकल रहे हैं तो धूप निकली होती है, दोपहर को हम असाइनमेंट करके आते हैं फिर बारिश हो रही होती है, शाम को सनसेट के टाइम पे बादल होते हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है। अब सोचो अगर आप एक जगह पे बैठ के या पूरे दिन में आप खाली वेदर को ही शूट कर रहे हो, आपको एक दिन के कितने कलर्स दिखेंगे, कितनी खूबसूरत आप छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म तक बना सकते हो। राकेश बख्शी जी, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, कितना डेप्थ वाला प्रोफेशन है ये? बहुत डेप्थ वाला प्रोफेशन है सर, इतना वास्ट प्रोफेशन मुझे लगता है कोई है ही नहीं है, इतना वास्ट प्रोफेशन कोई नहीं है। एक डॉक्टर है वो डॉक्टरी करेगा, अपने क्लिनिक में जाएगा पेशेंट को ठीक करेगा, एक इंजीनियर है वो अपनी बिल्डिंग बनाएगा, एक फ़ोटोग्राफ़र जो है वो वेडिंग भी करेगा, वो जर्नलिज्म भी कर सकता है, वो नेचर फोटोग्राफी भी कर सकता है, वो वर्ल्ड फोटोग्राफी भी कर सकता है। आप सिनेमा की फील्ड में चले जाओ, मूवीज़ की फील्ड में चले जाओ, आजकल वेब सीरीज़ की फील्ड आ गई, वो चल जाओ, यूट्यूबर्स यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं राजेंद्र जी, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी प्यारी प्यारी शॉर्ट फिल्में, मुझे लगता है वो मूवीज़ से अच्छा काम जो आजकल यूट्यूबर्स हैं वो कर रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग ही हैं जो वो काम कर पा रहे हैं, लेकिन आपको तराशना तो खुद को खुद ही पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसका पेटेंट फ्री करके दुनिया को दिया था, इस कला को आप निखारिए, संवारिए, अपने देश की, अपने शहर की, अपनी सबकी खूबसूरती जो लोगों के सामने लाइए और फोटोग्राफी डे को सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से। और सबको, हमारे भाइयों को, फोटोग्राफर्स को बहुत बहुत मुबारक है इस दिन की, सभी अच्छे से फोटोग्राफी कीजिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।